हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जहाँ से कल मैंने एंड किया था वहीं से ही व्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि दीदी की ओली वगैरह हो गई है और जीजा जी का टीका हो गया है, तो अब रह गई है रिंग सेरेमनी। तो बस उसके पहले फोटोग्राफर ने बोला कि फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। फिर क्या है, अभी शाम हो रही थी, अंधेरा हो जाएगा ना, तो फिर फ़ोटो वगैरह बाहर का नहीं हो पाएगा शूट, इसलिए। तो अभी रिंग सेरेमनी में थोड़ा सा टाइम था क्योंकि स्टेज वगैरह अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर जब तक वो हो रहा था तो उनने बोला फोटो वगैरह क्लिक करवा लो, क्योंकि फिर रिंग सेरेमनी के बाद जल्दी जल्दी जाने की पड़ जाती है, क्योंकि अभी फिर जीजे जी लोग को वापस भी जाना है, इसलिए फिर फ़ोटो वगैरह जल्दीबाजी में ना अच्छे से शूट नहीं हो पाता है, इसलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर पोज दे रहे हैं दीदी और जीजे जी। यहाँ पर मैं खड़ी थी, मुझे बोला गया था कि आप यहीं पर रहो, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर। तो फिर अब जा रहे हैं, रिंग सेरेमनी होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर बाद ये स्टेज ऐसे डेकोरेट हो गया था। तो बस अब ये रिंग सेरेमनी के लिए दीदी और जीजा जी चले गए हैं स्टेज पर। अब चलिए आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो को। सो गाइज, रिंग सेरेमनी हो गई है। इसके बाद फिर स्टॉल वगैरह लगा था, सबने खाया वगैरह। वहाँ पर मैं तो गई नहीं, तो वीडियो कहाँ से शूट करूँगी। उसके बाद फिर सबके जाने की पड़ गई, तो यहाँ पर विदाई हो रही है, तो टीका वगैरह हो रहा है सब लोगों का। इसके बाद सब लोग जाएंगे घर पर। मतलब दीदी को जब देखने के लिए आए थे तो ज़्यादा लोग आए नहीं थे, अभी इंगेजमेंट में काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो ये था कि घर भी जाएंगे एक बार ही। तो यहाँ से जाने के बाद सब लोग गए घर। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, हम लोग भी जा रहे हैं, अभी होटल में थे, इसके बाद हम लोग भी घर गए। तो वहाँ पर फिर एक्चुअली दीदी का केक भी कट होना था यहीं पर ही रिंग सेरेमनी के बाद। बट क्या हुआ कि
क्या बोलते हैं, कोई भूल गया, केक ही नहीं आ पाया था, तो फिर जब घर पहुँचे तो केक आया, तो यहाँ पर घर पे ही केक कटिंग हुई। तो ये देखिए सारे लोग घर पर आ गए हैं और ये केक रखा हुआ है, तो अब दीदी और जीजा जी काटेंगे केक। क्या हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाना पड़ेगा? हाँ भैया, हम भी है ना बच्चे बोलते हैं। चलो दीदी और जीजा खिला दो। हेलो, हाँ बेटा। दीदी ने सबको केक खिलाया, इसके बाद ही फिर ये सबको रसगुल्ले खिला रहे था, तो सबको ये खिला रहे थे और इनको खिला रहे थे सब लोग। सो गाइज, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।